हमारे नगर पालिका कर्मचारी न तो हमारा कहना मानते हैं न सुनते हैं, जबकि कांग्रेस की सत्ता नहीं है, सरकार नहीं है, उसके बावजूद कांग्रेस पार्षदों को, कांग्रेस का चेयरमैन हमारे वहाँ है, तो उनकी फुल चवन्नी चल रही है। कार्यकर्ता को क्या होता है, आजकल कुछ बेचारों को अलग थलग सा महसूस होता है, वो उसकी वजह मंत्री है हमारे जनप्रतिनिधि सरकार के जो ये नुमाइंदे सरकारी कर्मचारी, तो ये कहीं ना कहीं इतना सहयोग कर नहीं रहे जो सहयोग मिलना चाहिए। सरकार हमारी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार बनाई, तो इनको जो महत्व मिलना था वो मिल नहीं पा रहा, और सरकारी कर्मचारी कोई भी काम को जिस तत्परता से करना चाहिए वो काम हो नहीं पा। अधिकारियों का जिस प्रकार का स्वभाव और कोऑपरेशन चाहिए, स्कीम को नीचे तक ले जाने के लिए उनका जिस प्रकार के सहयोग चाहिए, वो सहयोग हमारा कार्यकर्ता उससे आहत महसूस करता है, एक समस्या तो ये। और दूसरा यह है कि जो स्कीम है उसका जितना प्रचार प्रसार जिन जिन तरीकों से जाना चाहिए जो नीचे जाए, उसके लिए अभी भी कमी का अनुभव होता है। सब कार्यकर्ताओं ने बहुत उत्साह से जोश से सुना और पार्टी के प्रति लगन से निष्ठा से काम करने की व्यवस्था की। बच्चे अपने ही बच्चे हैं और उन्होंने विरोध किया, कोई बात नहीं, उनकी बात सुनेंगे और जो भी सम्मानजनक हल हो सकता है सम्मानजनक हल करने का प्रयत्न। मैं समझता हूँ कि जिले के लिए ये जो बैठक है ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, और इस बैठक के माध्यम से पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह पैदा होगा और सीकर जिले की बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस बैठक के माध्यम से होगा। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सवाल युवाओं के लिए, आज युवा दिवस भी है, सपना दिखाया गया था कि हम आपके लिए नौकरियां लाएंगे, ये नाराजगी भी क्या यहां पर देखने को मिलती है। दो दर्शकों के बाद फिर मेहमानों का रुख करेंगे। दिनेश जी हैं सीकर से और मयंक जी जयपुर से हमारे साथ है। दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार फारिक साहब, बताएं सर। फारिक साहब, आखिर 2.5 साल में बीजेपी को अपनी जमीनी हकीकत का पता चल जाना चाहिए बूथ सम्मेलनों से। ये स्थिति तो इनकी 12 महीने में हो गई थी। मुकेश जी कह रहे हैं कि इससे तो बेहतर होगा, हम जान लिए हैं कि कमजोरियां क्या हैं, 2.5 साल में दूर कर लेंगे। मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत में 15 अगस्त 26 जनवरी के प्रोग्राम रियासती इलाकों में मनाए, बीकानेर में, कभी कोटा गई और कहा 500 कार्यकर्ता ला रहे, हम योजना बनाएंगे। 2.5 साल तो उस तरीके से हो गया कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाते हुए। अब जब उल्टी गिनती इनकी चालू होगी, कार्यकर्ता भी कितना एक दिन इंतजार करे, 5 साल में 2.5 इनको दे दिए, 2.5 कार्यकर्ता ये खुद के हैं, इन्होंने कौवे की सी स्थिति बना रखी है कार्यकर्ता की, जैसे कौवे को सिर्फ 15 दिन में पूछते हैं। वैसे ये कांग्रेस वाले भी ज्यादा खुश नहीं हो, ये भी कार्यकर्ताओं की ऐसी स्थिति कर रखी है इन्होंने भी। कभी इनके कार्यकर्ता जब इनकी सरकार होती है तो इनको सुनाते हैं, और कार्यकर्ताओं को सभी राजनीतिक दलों ने कौवे की सी स्थिति में कर दिया है। धन्यवाद दिनेश जी, बहुत बहुत आपका। मयंक जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं। मेरा मुकेश जी से सवाल है। हाँ जी बिल्कुल मुकेश जी, मेरी संवेदना और मेरी व्यथा को समझेंगे। सर मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ एक बूथ स्तर पर जी। सर ये गाय की जो दशा और दिशा इन लोगों ने कर दी, और इस नाम पे हम हमारी राजनीति का विषय नहीं है सर, गाय हमारी आस्था का विषय है, और इन्होंने हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई है, पहले मंदिर वाले मुद्दे पे और फिर गाय वाले पे, हम किस मुद्दे लेकर। तीन नाराजगियों को कैसे दूर करेंगे, धार्मिक आस्था की बात है। मयंक जी धन्यवाद। सवाल है मंदिर टूटने का और सवाल है नौकरियों का, तीनों पर जवाब दें, इसी दौर में ये बात होगी। मुकेश जी निश्चित रूप से देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ तक नौकरियों की बात आती है, विद्यार्थी मित्रों का विषय आपने बार बार इसमें दिखाया, विद्यार्थियों मित्रों का विषय आपको ध्यान में होगा, हाईकोर्ट के कारण से इस विषय में दिक्कत आई है, जब जब मान्यता था, इसलिए मैं कह रहा हूँ रमेश मीणा जी की पहले दौर की बात पर आऊंगा, मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं इसलिए आज भी उस बात पे स्टैंड कर रहे हैं, मंत्री समूह जो बना हुआ उसने उस बात को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, विद्यार्थी मित्रों के विषय को निपटारा, निश्चित रूप से जब जब भी परेशानी आई आपको, आपकी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं मैं कि प्रबोधक किसने बनाए, 1200 रुपए में टीचर अशोक गहलोत जी ने लगाए, प्रबोधक बना के मुख्यमंत्री जी ने उनको परमानेंट किया, किसने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मैं आज आपके मंच से वापस दावा कर रहा हूं कि हम आगामी 2-3 महीने में इस सारी समस्या और विद्यार्थी मित्रों का हल भी अगर निकलेगा तो भारतीय जनता पार्टी दे दीजिए, निश्चित रूप से इसमें कोई बात नहीं। आपके ही चैनल पे डिबेट हुई थी, मैंने इस बात को स्वीकार किया, हिंगोनिया में अफसरों की लापरवाही के कारण से मानी, क्योंकि राजनीतिक फील्ड में अश्विनी जी जिम्मेदार जो है, आज सारी चर्चा इस बात की है, कोई अफसर किसी भी बात के लिए, आज हमारा कार्यकर्ता भी त्रस्त है तो अफसरों भी बात आ रही है,
अफसर, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अफसर कहीं भी जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है तो पॉलिटिशियन। पहलू पर भी आता हूं। हमने इस बात को सहजता से उससे पहले दो और दर्शक कहीं कोई कमी खामी तो उसको दूर करेंगे। कृष्णा जी जयपुर से और मोहन जी अबू रोड से हमारे साथ हैं। मोहन जी नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी, बताए सर। सर जी मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे मैडम ने कहा था कि हम 15 लाख रोजगार देंगे, हाँ जी, अब मैं आपसे ये सब महानुभाव विराजे उनसे एक बात ही पूछना चाहूंगा सर, और आप स्वयं भी जानते हैं राजस्थान सरकार के किसी भी विभाग को उठा के देख लो, सेवानिवृत्त होने के बाद में मात्र 1/4 कर्मचारी विभागों में बैठे हुए हैं, 1/4। तो मैडम ने आज तक क्यों नहीं किया, और इनको सुप्रीम कोर्ट की SPL भी वहां से भी छूट मिल गई कि आप 15% बोनस अंकों पे कर्मचारियों की भर्ती कर सकते हो, उसपे भी मैडम अड़ंगा लगा के बैठी है, तो फिर इन्होंने बेरोजगार वालों के साथ में क्या किया? बेरोजगार तो यूं क्यों घूम रहे, विभाग यूं क्यों खाली पड़े? बिल्कुल है, मैं रमेश मीणा जी से भी चर्चा करूंगा इस पे। कृष्णा जी आपकी भी राय बता दें। मैं तो आज का आपका ये देख के प्रोग्राम, मेरे को तो एक ही बात याद आ रही है, जब राजस्थान की जनता ही खुश नहीं है सरकार से तो ये कार्यकर्ता क्या खुश होंगे जी। आज ये देख लो कि हिंगोलिया गौशाला को लेके देख लो आप, हिंगोलिया गौशाला के अंदर की गौ माताएं मर गई, हमारे किसान भाई मर गए, हमारे बेरोजगारी हो रही राजस्थान के अंदर, फिर भी टेस्ट से मस्त नहीं हो रहे, तो इनका जो घमंड था पारित था वो तो साफ ही दिख ही रहा है। बिल्कुल है, ये स्थिति तो है, लेकिन इसको कैसे दूर कर पाएंगे वो बात हो, उससे पहले रमेश जी आपसे जानना चाहता हूँ, बेरोजगारी, धार्मिक भावनाएं और गाय, ये तीनों मसले अब कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा बन चुके हैं कि राजस्थान में जो वादा किया उनको पूरा नहीं किया गया। अश्विनी जी आपको मालूम होगा इसी मार्च में जो विधानसभा का सत्र था, इस हिंगोनिया गौशाला के मुद्दे को मैंने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उठाया था, और राजपाल सिंह शेखावत जी ने जवाब भी दिया था कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई प्रयास नहीं किए, क्योंकि आज ये आज नया मुद्दा नहीं है, उस समय मैंने 19 जिलों के जो अनुदान नहीं दिया था इन्होंने उस मुद्दे को भी उठाया था, जोधपुर गौशाला को भी उठाया था, और कोटा की जो गौशाला उसके बारे में भी कहा था कि गायें प्रतिदिन मर रही हैं, उस समय भी मैंने ये कहा था कि 40 गायें प्रतिदिन हिंगोनिया गौशाला में मर रही हैं और स्थिति बद से बदतर हो रही है, अधिकारी कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इन्होंने कोई नहीं किया, कोर्ट जो हाई कोर्ट ने निर्देश दिया उसका भी पालन नहीं किया, तो इन सबको पता है गायें मर रही हैं, अब एकदम बवंडर हुआ है, और तो उसके बाद कह रहे हैं आनंद फानंद में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कहा हाँ? था कि JDA अकेले में कितनी ज्यादा वो कोर्ट की अवमानना के मामले जुड़े हुए हैं, तो परवाह क्यों नहीं है? परवाह इनको है नहीं। उसके बाद दूसरी बात आपसे मैं करना चाहता हूं कि गायें, ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि गायें अभी मरी हैं, गायें पहले भी मरी थी, लेकिन जिस प्रकार की जो व्यवस्था है, इस गाय के नाम पर आपने वोट मांगा और सत्ता में आए, मंदिर के नाम पर आपने वोट मांगा, आज मंदिर पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, पिपलेश्वर मंदिर अभी इस महीने में की शुरुआत में तोड़ दिया गया, और आप धर्म के नाम पर वोट मांगते हो, उसकी रक्षा आप कर नहीं पा रहे हो, इसी तरह ये जन सुनवाई और जिसकी बात करते हो आप, सबसे पहले इन्होंने संभाग के दौरे किए मुख्यमंत्री जी ने, रात विश्राम किए संभागों पर, उसके बाद में आपके पार्टी कार्यालय पर क्या स्थिति है कि चार आदमी जन सुनवाई भी नहीं आते हैं, प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन आती है, संभाग के दौरे किए लाखों एप्लीकेशन आई, 10% भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तीसरा ये जन समूह जो मंत्री के समूह जा रहे हैं दौरे पर जिलों में जा रहे हैं, तो ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, लोगों को दिखावा कह सकते हैं, औपचारिकता कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री ने कहा भी विधायकों से कि आप एक विकास पुस्तिका बनाइए, अरे विधायक सोच में पड़ गए, विकास तो हुआ ही नहीं है, काम हुआ ही नहीं है, कौन सी विधायक विकास पुस्तिका बनाओ, तो इस तरह का जो वातावरण प्रदेश में है, और अभी अरे आप वो सारी चीजें वो ही आ रही है, आप चिंता मत कीजिए, 200 करोड़ 500 करोड़ के काम है, आप क्या संगठन में है, आपको पता होता विधायक होता तो आपको पता लग जाता कि लोग कैसे कुर्ता फाड़ रहे हैं MLO के, हमसे कहते हैं आपके बीजेपी विधायक इस मुद्दे को आप विधानसभा में उठाओ, हम नहीं उठा सकते, हम नहीं बोल सकते, आपको पता नहीं है अभी अंदर की बात, क्योंकि एक विधायक मैं देना चाहूंगा आपको ज्यादा पता है, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बात सुन यही समस्या है, मेरी बात सुन लीजिए आप, आपका विधायक मुख्यमंत्री से तो क्या, आपका CM सेक्रेटरी है ना उससे नहीं मिल पाता है, ये स्थिति ये बनी हुई है, मंत्री जो काम कर रहे हैं मंत्रियों की स्थिति क्या है आपको पता है, सुरेंद्र गोयल जी ने एक वीडियो हटाने की कार्यकर्ता ने बात की बीजेपी के विधायक बीजेपी कार्यकर्ता ने कि आप हटाइए, उसने कहा वीडियो को नहीं हटाऊंगा आप इस्तीफा दे दो, इसके पीछे क्या राज है,
आपका जो पशुपालन मंत्री सचिव आपके रिश्वत ले रहे हैं तो काम कैसे होगा रमेश मीणा जी? फिर से समस्याओं में खाना पूर्ति ज्यादा हो रही है, समस्या आप झूठे अनर्गल आरोप लगाकर रमेश जी अरे आपने पूरे राजस्थान आपके अध्यक्ष के सामने चंद्रमान जी के सामने चंद्रमान को विश्वेंद्र सिंह ने पीटा और आप कैसे बात किसकी बात कर रहे हैं? आप इंजाज थोड़ी करेंगे, आप बात कहां कर रहे हैं? इसका इंजाज थोड़ी करोगे? नहीं नहीं मैं करूं, आप जिस जिस आता हूं मैं मनीष जी आऊंगा आपके पास, ऐसे मत दीजिए आप, ऐसे नहीं आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। जिस मुद्दे पे बहस हो रही है उसका है ना, मेरे पास आप सबूत दीजिए ना, मैं जिम्मेदार लेता हूं, बताओ आप सबूत लाइए। मैं सबूत दे सकता हूं, अरे अनर्गल आरोप लगाएंगे किसी दादी सर अध्यक्ष गवर्नमेंट के अंदर दबा पड़ा आरोप लगा रहा हूं मुझे पता नहीं, मैं मेरी बात सुनो, मैं पार्टी का जिम्मेदार करिए तो आप प्रमाण दीजिए ना, आप ऐसे थोड़ी आपके आपके मंत्री जी ने आपके मंत्रियों पर इतने आरोप है दादी सर, दादी जेल में है वो तो दादी सर, दादी सर आप सुनिए, इनके 22 आए हैं आपके 23 आए हैं, ज्यादा है मंत्री को मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए उसको हटाए। चलिए मनीष गोदा साहब मैं आपके पास में आ रहा हूँ, क्या मंत्री समूह के दौरे जन सुनवाई ये सारी बातें खाना पूर्ति है? मनीष गोदा साहब आनंद पाल बन गया, कभी कहता है जहर का घूंट पी लो, पहाड़ के नीचे दब जाओ, है रमेश दब जाओ, ये बात करते हैं, ये एक नैतिकता का मनीष गोदा साहब को इस्तीफा देना चाहिए। बहुत सीधी सी बात है कि आम आदमी का काम ही नहीं हो रहा है, खाना पूर्ति खाना तरह से लोग दुखी बिल्कुल है। एक बार बोलता सर खाना पूर्ति तो नहीं कह सकते, देखिए यदि पार्टी ने जिस उद्देश्य के साथ उसको किया है, मैंने एक बार आपने नहीं, जैसा कि रमेश जी ने अभी बताया कि आंकड़ा ये है कि 10% समस्याएं दूर नहीं कर पाए, जिस बीजेपी दरबार में 70-80 फरियाद एक दिन में लगती, अब 10 के नीचे वो सिलसिला सिमट कर रह गया, मतलब भरोसा तो टूटता जा रहा है। सुनी जी नहीं इसमें कोई शक नहीं, एक मिनट कहना चाहूंगा इसमें, सुनी जी मैं कहना चाहूंगा किसी भी मुख्यमंत्री ने राजस्थान के इतिहास में किसी जिलों में जाना संभाग में जाना किसी ने सिर्फ शुरुआत आपके सर्टिफिकेट से नहीं माना जाएगा ये भ्रष्टाचार, आपके सर्टिफिकेट से आज भ्रष्टाचार को तो खंगाल कर, अब मैं दोनों के पास आऊंगा, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तुरंत, पूरे चर्चा जारी रहेगी। कहाँ होती है सुनाई हमारी तो रही है, हम तो हमारे बलबूते पे करते हैं, अधिकारियों से लड़ते हैं, ग्राम से नहीं पंचायतों में पटवारी नहीं है, एक एक पटवारी को तीन तीन चार दे रखे हैं, स्कूलों में मास्टर नहीं है, किस बात की सरकार है? सबसे बड़ी पंचायत समिति सुल्तानपुर, वहाँ अभी तक न तो नगर पालिका है और ना ही वहाँ कॉलेज है, कॉलेज की मांग पिछले कई सालों से हुई है वहाँ पे, और ना ही वहाँ पे खेल का मैदान है, जबकि वहाँ खेलने के लिए इतने संसाधन है, मैंने दे दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, उसको एक लेके एक साइड डाल दिया गया।